BMW. ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट है। सीधे चलेंगे और यू टर्न लेंगे और लेफ्ट में आएगा चायोस। चलो लेट्स मेक अ मूव बैक टू रियलिटी। खन्ना जी डूको वाले, चलो भाई, यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो हमारा रॉसी भाई चला रहा अभी जीएस, और देखो भाई 8 बज गए, भूख लग रही है, कसम खुदा की भूख लग रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम थ्रॉटल पे रुक नहीं पाए, इधर पास में चायोस है तो वहाँ रुकेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, उसके बाद खन्ना जी ने निकलना है राखी बनवाने के लिए, तो यहीं से उनको जाना फरीदाबाद। तो इसीलिए ये वाला लोकेशन अभी के लिए चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद में हम आगे भी जा सकते हैं, मतलब दो किस्तें लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने घर में टाइम बोला था 11:30 तक आ जाऊँगा। सो आई हैव स्टिल 3 आवर्स विद मी, आई कैन एन्जॉय दिस डे, दिस संडे। चाबी कहाँ है BMW की? यार शिट, निकालनी भी होती है। शिट, 15-20 मिनट हो गए अंदर बैठे हुए। मैं कहा यार, ये खन्ना जी ने बोला कि चाबी कहाँ है BMW। मैं कह रहा यार बाइक इन्होंने भी चलाई, मैंने भी चलाई, मैं कहा बाइक बंद नहीं हुई बिना चाबी के। चाबी है भाई साहब, किसी ने मस्ती मजाक में बटन दबाया होता ना, बाइक स्टार्ट हो जाती। चाबी इसके अंदर में, इसको खोल, इसको खोल, यहाँ पे साथ बाइक फ्री। शाक्स, ये तो स्टार्ट भी हो गई। अरे हाँ, ये बहुत बड़ा डीमेरिट है, इसलिए जो फॉब है ना, इसको रखना चाहिए जेब में। हम लोग गलती कर देते हैं कई बार, यहाँ पे पड़ी रह जाती है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक। I'm so sorry यार, आगे से नहीं होगा। इट वॉज अ बिग मिस्टेक, ट्रस्ट मी मैन। एनीवेज ऐसा है, देखो आपको पता है कि थ्रॉटल पे बहुत ज्यादा लोग थे, हम रुके नहीं वहाँ ज्यादा। अच्छी बात है, यहाँ पे स्टॉप लिया है ना चायोस पे, एंड आई एम लविंग इट बॉस। मतलब आज तो वेदर साथ देने वाला, बल्ले बल्ले, तो हम तो साथ देंगे। हम दोबारा जाएंगे पार्ट टू, यहाँ पे एक छोटा ब्रेक। मेरे को छोड़ा हुआ फरीदाबाद, यहाँ पे अभी चाय ऑर्डर हमने कर दी है, 3-4 आइटम और कर दिए ऑर्डर। ये तो खाएगा नहीं बिना राखी बनवाए, है ना, ये सिर्फ देखेगा, हम खाएंगे मजे ले लेके, स्वाद ले लेके। जेन वन बूसा है नहीं क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, जेन टू है, आंखें खराब हो गई तुम्हारी, पगला गए भाई। पहले 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 चाबी भूल गए, फिर कह रहे हैं ये जेन वन बूस है। रात की उतरी नहीं है, रात की नहीं उतरी है। कब भी आ करो भाई। सही मैन। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया। ठीक है जी, क्या लेके जा रहे हो जी? थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स यार। देखो यार, आप लोग मिलते हो, गिफ्ट देते हो, बहुत अच्छा लगता है। और लाज चाहिए तो और आ जाए। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं यार, आदत है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच लग गया, कोई बात नहीं, लिया था टैंक पैड, मेरे ख्याल से डिटेलिंग हो रही है। टैंक पैड मैंने लिया था, जी हाँ, टैंक पैड के बारे में अच्छा याद दिलाया। एक्चुअली कल वाले ब्लॉग में ऑडियो नहीं आया, मैंने इनको दिखाया, बिल्कुल सेम ग्राफिक्स वाला मेरे को टैंक पैड मिल गया, लेके रख लिया, मतलब प्री बुक कर दिया मैंने ऑलरेडी। अब क्या सीन है कि पहले इसके ऊपर में होगी डिटेलिंग, उसके बाद में यहाँ पे होगा PPF, ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, सेरेमिक प्रो गुरुग्राम में आ चुका है। तो बाइक मेरे को छोड़नी पड़ेगी 2-3 दिन के लिए, तो ये 2 काम होंगे, जब वो सब हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम टैंक पैड। कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? मेरे को तो बड़ा मजा आया, आई लव इट। बस यही चलाते हुए बोल रहा होगा ना कि बचपन में 2-3 साल और हमने बॉर्नविटा पी लिया होता तो इतने पैर तो पहुंच ही जाते। नहीं, एक और चीज है, कुछ हरकतें ना की होती शायद। ये बचपन के दोष है इनके, ये बचपन के दोष है भाई, बचपन के दोष है, सीरियसली मैन। इट इज लाइक दैट, आज सच्ची में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक बारी को ना रात को प्लान कैंसिल हो रहा था, क्योंकि डर लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, है ना। जैसा लास्ट टाइम जब सोरनपाजी आए थे तब बारिश हो गई थी उस दिन, है ना। अभी तक लेकिन मौसम ने बहुत सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया, बारिश नहीं हो रही और होनी भी नहीं चाहिए अगले 2-3 घंटे, बट मौसम ऐसा बने रहना चाहिए। तो भाई साहब हमारे स्लिप होने वाले थे। एनीवेज, एक सवाल है, आज क्या सीखा है पाठशाला में, क्या सिखाया हमने आपको? बचपन की गलतियों से बचो। बचपन की गलतियों से बचो, हाइट लंबी होनी चाहिए, को काबू में रखो, बड़ा है तो बेहतर है। हाइट यार, बाइक और हाइट। एनीवेज देखो, अभी मैंने इनको एक चीज सिखाई है, हैंडल लॉक कैसे होता है, कैसे होता है, इसको लॉन्ग प्रेस करके करके दिखाओ, आवाज आएगी, आ गई। तो अभी हैंडल लॉक हो चुका है, अब अनलॉक कैसे होता है, आवाज सुनना जरा, अनलॉक हो गया। एक बार पीछे निकाला जाए, एक बार इसका सस्पेंशन डालेंगे मैक्स के ऊपर, और शायद के ऐसे पैर हवा में उड़ते हुए देखे जाएंगे।
मैं चला रहा हूँ ये, चलो मर्जी तुम्हारी है ना। चलो भाई फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बज गए, हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। नॉट श्योर अभी आगे जाके कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। हाँ याद आया, रुकना पड़ेगा, अभी हम लोग एक रील बना रहे थे, कुछ शूट हमने यहाँ किया, कुछ रास्ते में करेंगे। सो दैट इज़ अ सीन। बट हाँ मज़ा सच्ची में आया आज, बहुत दिनों के बाद, और पता नहीं क्यों आज चाय उसका चाय ज़्यादा स्वाद रहा। बाद अब एक बार नज़र तो डालो, मतलब कितना तेज़ हवा चल रहा है ना अभी, आपको समझ में आ रहा होगा। पेड़ पौधे बहुत ज़ोरों से हिल रहे हैं, बट यार मानना पड़ेगा सबको ही अच्छी लग रही है, बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। क्या सीन मेरे भाई, अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ओहो हो, वाटर लॉगिंग हो रखी है यहाँ पे। अपुंच को ज़्यादा टेंशन नहीं है, धीरे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑन द वे वैसे हम लोग ले रहे हैं एमजी रोड, बहुत दिनों के बाद। यहाँ पे वैसे बीच में ना बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत चेकिंग हो रही थी और बहुत तंग कर रहे थे बाइकर्स को। अभी पता नहीं क्या सीन है, नॉट वेरी श्योर दोस्तों। अगर कोई दिक्कत तकलीफ आई होगी तो आपको पता थंबनेल पे आ ही गया होगा। एंड वैसे थोड़ा बुरा लग रहा है ये समझ के जान के कि बहुत सारे फुटेज में ना ऐसे फॉग सा आया लेंस के ऊपर में। तो जब चार्ल्स में बैठे थे तो मेरी नज़र पड़ी अपने GoPro पे, तो लेंस के अंदर में फॉग जम रहा था। लेंस को खोला, फॉग वॉग हटाया, अभी सब बढ़िया है। बट हाँ कुछ तो क्लिप्स ख़राब हुए होंगे। अच्छा नहीं लगता यार डेली डेली ऐसा होना ना, कसम से बहुत बुरा लगता है। और गलती कई बार हमारी होती है, कई बार नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की गलती है, इक्विपमेंट्स की गलती है, यू नेवर नो कि कब ये कैसा फंक्शन करेंगे। बहुत रिलायबल सेटअप नहीं है। नाउ दैट इज़ समथिंग वेरी 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 डिफरेंट, नेवर सीन ऑन अ मर्सिडीज मैन। अब एग्जैक्टली क्या था, काइंड ऑफ अ क्रेन आर्म था, किसी काम आता होगा, बट क्या है समझ नहीं आया मुझे। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सो डू कमेंट दोस्तों, आई विल ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट। BMW, ओह BMW, ओके समझ गया, ब्रांड वैल्यू ठीक है, रोड पे अलग ही दिख रही है दोनों, ओके। फिलहाल ऐसे दोस्तों अच्छी बात पता क्या है, मेरे को लग रहा था बहुत ट्रैफिक मिलेगा ऑन द वे बैक, क्योंकि आपको पता त्यौहार है, रक्षाबंधन है, बहना ने भाई की कलाई पे आपको पता है प्यार बांधना है। बट ऐसा नहीं है, अपोजिट है, ट्रैफिक उतना नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया है। अभी भी थोड़ी देर में कहीं पे भी रिमझिम बरसात हो सकती है, और चाय पीने का मतलब दिल कर रहा है तो चाय का राउंड टू लग सकता है। मौसम है खूब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो खन्ना जी तो ऑलरेडी निकल गए थे अपनी सिस्टर के घर पे, मतलब चायों से ही टेनर लेके। अब हम लोग एक ब्रेक और लगाते हैं, उसके बाद सीधा ऑफिस जाते हैं। ओके ओके माय फ्रेंड्स, सो यू गॉट माय पॉइंट। जोर से फेंका ना, सेल निकल गया, मतलब मेरे रिमोट का, फैंसी रिमोट का शो ऑफ कैसे करेंगे फिर हम अगर ये नहीं चलेगा तो। एनीवेज ऐसा है दोस्तों, आई एम स्वेटिंग अ लॉट, क्योंकि ना आते आते बहुत गर्मी लग गई, और अभी राइडिंग गियर उतारे हैं, पंखा एसी नहीं चलाया क्योंकि जल्दी है घर जाने की, क्या करेंगे बिजली का बिल फूक के, मतलब बिजली फूक के बिल ज़्यादा आ जाएगा ना। इतना कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आज भी मतलब मैंने दो ब्लॉग निकाल दिए होंगे आज वाले कंटेंट से। काफ़ी राइड करी 100-150 किलोमीटर, वेदर ने दिया साथ, खाया पिया और बन गई दोस्तों की बात। तो बोलो क्या बात। एंड जी हाँ, आने वाले दिनों में बहुत सारा धमाल। अब आपको पता है कि हमने कुछ नया ले लिया, क्योंकि मैंने आपको एक हिंट दिया था कि 15 अगस्त के आसपास मैं कुछ खरीदने वाला हूँ और कुछ बेचने वाला हूँ। तो वो भी क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ मैं बेचने वाला हूँ वो है मेरी एक बाइक। अब आपको गेस करना और कमेंट करना है कि वो कौन सी हो सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको पता है अगर ये वीडियो आपको लगा अच्छा तो करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना, 2-3 रील बनाई थी, कुछ फोटोज निकाली थी आज की राइड से। मेक श्योर यू चेक इट आउट। सी यू, बाय बाय।